आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोगों का एक सवाल जो है बार बार आप सभी लोग पूछ रहे हैं, तो इसको बताना हम बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। तो जैसे कि आपका जो सवाल है कि सर, DLED फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है कि शॉर्ट प्रश्नों का उत्तर जो है आप 75 वर्ड में दें, या लॉन्ग प्रश्नों का उत्तर जो है आप 250 वर्ड में दें, तो क्या यह सही है कि गलत है? 75 से 100 वर्ड बोला जाता है, और यहाँ पर बोला जाता है 200 से लेकर 250 वर्ड। तो क्या अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है 75 से 100 वर्ड लिखते हैं शॉर्ट को, और लॉन्ग को 200 से 250 वर्ड लिखते हैं, तो क्या आपका बेहतर नंबर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपका जो है बेहतर नंबर नहीं होगा, लिख कर रख ले। कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, इस पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है वो तो बेहतर है लिखा होता है, वो तो आपका मिनिमम होता है। कभी भी आपको आंसर जो है परिपूर्ण देना है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अभी आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये सब्जेक्ट कोड आप देख रहे हैं F3 है यहाँ पर, और ये DLED फेस टू फेस फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021 का क्वेश्चन है, आपका पेपर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसमें आपका 70 नंबर का क्या होता है बाहरी एग्ज़ाम होता है, और 30 नंबर जो होता है आपका इंटरनल होता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 11 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका समय 3 घंटा दिया है। अब सोचिए कि सर 11 क्वेश्चन हम लोगों को करना पड़ेगा, तो नहीं, यह टोटल क्वेश्चन है, मतलब जितना क्वेश्चन दिया होता है, अभी मैं बता रहा हूँ आप समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2 खंडों में बाकी बटा हुआ होता है। सेक्शन ए में जो होता है आपका शॉर्ट प्रश्न होते हैं, जो कि आपको 6 प्रश्न होते हैं, जो आपका शॉर्ट होता है ना, उसमें आपका 6 प्रश्न होता है, जो कि आपको 75 वर्ड से लेकर आपके 100 वर्डों के बीच में आंसर देना होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 5 अंक के होते हैं, यानी 6 × 5 कीजिएगा तो ये आपका 30 नंबर का होता है। और अगला जो होता है खंड क, इसमें जो होते हैं आपके 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से जो है आपको 4 प्रश्न करने होते हैं, जो कि आपके 200 से लेकर 250 वर्डों में लिखना होता है। तो ये आपका 4 प्रश्न × 10 नंबर इक्वल यहाँ पर आपका 40, यानी कि 30 + 40 जुड़िएगा तो आपका यहाँ पर 70 नंबर के हो गए। अब हम यहाँ पर आपको जो चीज़ बताने वाले हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कितना अंक में जो है हम उत्तर दें। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ नीचे लिखकर कि जब भी शॉर्ट प्रश्न हो, और पेपर भी बताऊँगा, और यहाँ पर आपके लॉन्ग प्रश्न, ये शॉर्ट और लॉन्ग, देखिए हम आदेश के अनुसार चलेंगे, तो शॉर्ट बोला है कि 75 से 100 वर्ड लिखिए, जो कि आपका एक पेज में ही हो जाएगा, लेकिन एक पेज में लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा, लॉन्ग बोला है कि 200 से लेकर 250 वर्ड में लिखिए, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपको इसको जो है ये भी लिखिएगा तो कितना, 1-1 2 पेज, यानी कि 2.5 पेज में हो जाएगा, जो कि ये भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि लिखना कितना है, ये शॉर्ट वाले जो प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट वाले पेज प्रश्न को 2 पेज में लिखना है, 2 पेज में आपको आंसर देना है। क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। मान लें कि ऐसा पेज मिलता है आपको, एक इधर रहता है एक इधर रहता है, ऐसा पेज मिलता है ना, एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया, तो ये हो गया आपका 1 और 1 2, यानी कि आगे पीछे कर कर 2, तो यही हो गया, आपको ये शॉर्ट लिखना है। लॉन्ग की बात कर ले तो आपको एक इस तरह का लिखना है, और फिर यहाँ पर एक और पेज, यानी कि 3 पेज में लिखना है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3, 3 ही पेज लिखिएगा। अब कारण क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टोटल आपको जो है 24 पेज मिलते हैं, तो अगर 6 शॉर्ट प्रश्न को जो है अगर 2-2 पेज लिखते हैं, 2 पेज, तो यहाँ पर कितना हो गया 12 पेज, और 4 अगर लॉन्ग प्रश्न को 3-3 पेज लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4-4 आपका 24 पेज हो गया, 12-12 ये आपका भर गया पेज। इस तरह आपको लिखना है, सारी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो, पेज भी आपका भर गया, सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखिए पूरा गिना चुना हुआ आपका है। अगर ये मत कीजिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन को ही लंबा लंबा लिख रहे हैं, तो फिर आपको एग्ज़ाम में कॉपी नहीं मिलता है, ये घर वाला एग्ज़ाम नहीं है, समझ लीजिएगा मेरी बात को, जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हो या सेकेंड ईयर वाले हो, दोनों को मैं बता रहा हूँ। ओके,
चलिए, तो ये आपका था क्या कि आपका ये लॉन्ग वाला था, समझ गए। उसी प्रकार आप हम बात कर लेंगे यहाँ पर आपका जो 35 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये आपका देखिए पेपर क्या है, ये फिट है जिसमें आपका 35 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका 7 क्वेश्चन है केवल, जिसमें आपका 2 घंटा का समय होता है। देखिए जिसमें आपका 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं वो 70 नंबर वाले वो आपका 3 घंटा का होता है, और 50 नंबर वाले आपका 2 घंटा का होता है। याद रखिएगा, समझ गए। अब इसको भी देख लीजिए, तो 2 खंडों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट में, और ये 75 से 100 बढ़ दीजिए, और लॉन्ग में जो है यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से जो है किन्हीं एक को देना होता है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझा दूँ आपको कि जो 35 नंबर वाले पेपर होता है ना उसमें आपका शॉर्ट प्रश्न जो होता है कितना लिखता है, शॉर्ट आपका 5 होता है, और लॉन्ग प्रश्न जो होते हैं आपके केवल 1 लिखने होते हैं, यानी कि केवल 6 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। 2 दिए होते हैं लेकिन कोई दोनों में से 1 ही लिखने होते हैं। पेपर की बात कर ले तो अगर हम 2 2 पेज लिखेंगे तो 10, और 1 पेज लिखेंगे +3, तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो 3 3 पेज लिख सकते हैं। यहाँ पर 35 नंबर वाले जो आपका पेपर है ना, यहाँ चाहेंगे तो शॉर्ट वाले को भी जो है 3 3 पेज लिखिए, लॉन्ग वाले को 4 पेज में भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 3 15 4 19 पेज ही होगा, बच ही जाता है पेज, समझ गए। प्रयास करना है कि आपको पेज को भी भरना है, समझ गए, गलत से नहीं सही लिखकर। ये मन सोचे कि मैं गलत बता रहा हूँ, ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ प्रश्नों के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पर सेक्शन ए जो है ना, यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें जो होता है ना आपका 6 प्रश्न होते हैं, समझ गए। तो ये 6 प्रश्न नहीं होते हैं, इसमें 12 प्रश्न होते हैं। कैसे, हर प्रश्न के नीचे जो है आपको अथवा लगा दिखेगा, यानी कि 2 में से कोई 1 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये वाला हो गया, फिर इसका अथवा में ये दिया हुआ है, ये 1 प्रश्न हुए। देखिए ये भी प्रश्न है और ये भी प्रश्न। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा की प्रमुख अवधारणा को स्पष्ट करें। दूसरा, वर्तमान में ECC की प्रमुख अवधारणा को विवेचना करें। ये दोनों प्रश्न जो है क्या है, 1 नंबर का है। अब यहाँ से ये दोनों में से जो है कोई 1 प्रश्न आपको जो आ रहा है वो लिखिए, और ये आपका 5 नंबर का है, समझ गए। उसी प्रकार आपका सेकंड देखिए, देखिए ECC पाठ्यचर्या में लघु एवं दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है, ECC पाठ्यचर्या को लागू करने का शिक्षक की भूमिका क्या है, ये 2 प्रश्न हो गया। अब इसमें से जो मन है वही प्रश्न आपका इसका उत्तर दीजिए, ये भी आपका 5 नंबर का है, देख रहे हैं। दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। सब में जो है जितना भी प्रश्न होता है ना आपके शॉर्ट वाले, उसमें सब में अथवा लगा होता है, यानी कि यह सहूलियत होता है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग जो है इसको दे सकते हैं। लेकिन लॉन्ग वाला प्रश्न याद रखिएगा, लॉन्ग वाला प्रश्न में केवल 1 प्रश्न एक्स्ट्रा दिया जाता है, केवल 1 प्रश्न जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है। जितने भी लॉन्ग प्रश्न होते हैं ना, चाहे वो 60 70 नंबर वाले हो या आपके 35 नंबर वाले हो, यानी कि 70 नंबर वाले हैं तो इसमें आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको 4 करने होते हैं, समझ गए। और आपके 35 नंबर वाले हैं जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको 1 करने होते हैं, यानी कि 70 नंबर वाले में जो है आपका 40 नंबर का लॉन्ग होता है, और 35 नंबर वाले में केवल 10 नंबर का लॉन्ग होता है। शॉर्ट की बात कर ले तो 30 नंबर का होता है, यहाँ पर शॉर्ट आपका 25 नंबर का होता है। जब ये 25 से 10 को जोड़िएगा तो 35, और ये 30 और 40 को जोड़िएगा तो आपका यहाँ पर 70। तो मुझे लगता है कि मेरी बातों को आप गौर से समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन को जो है 3 पेज में लिखना है, और शॉर्ट पेज को जो है शॉर्ट क्वेश्चन को है 2 पेज में लिखना है। जो यहाँ पर 250 से लिखा हुआ है 200 वर्ड, या आपका 75 से 100 वर्ड, उसके ऊपर मन जाइएगा। कम से कम आप 2 पेज शॉर्ट को लिखिएगा, 3 पेज आप लॉन्ग को लिखिएगा। 3 पेज कहने का मतलब है कि आगे पीछे मिलाकर, ये नहीं कि 3 पेज तो 6 पेज हो जाएगा, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो ये आपका सवाल था कि आंसर का उत्तर 75 वर्ड में लिखने से पास करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको जवाब मिल गया होगा, नहीं पास करेंगे अगर 75 वर्ड में लिखते हैं तो, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ओके।